आज का ये ब्लॉग होने वाला है मेकअप से रिलेटेड। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये मेरी ब्राइड है जो सुराव से आई हुई है। तो इनकी आंटी है जो हमसे मेकअप लेती है, तो इन्हें उनका मेकअप बहुत पसंद आता था इसीलिए ये वहाँ से आई हैं। ये अपने इंगेजमेंट में भी आई थी, इनका ब्लॉग भी हमने शूट किया था इंगेजमेंट का भी। और आज है इनकी वेडिंग और ये है इनकी सिस्टर। अभी ये लोग रेडी हो चुके हैं, बस कार का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग निकल जाएंगी। काफ़ी अच्छा नेचर था इन लोगों का, मतलब इस करियर से हमें ऐसा फील होता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है, ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलता है। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिन्हें हमें डील करना पड़ता है, बहुत से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत से एवरेज रहते हैं। तो बस ज़्यादातर लोग तो ठीक ही रहते हैं, काइंड नेचर रहते हैं। और इनकी ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लग रही थी, मेरा मन था कि इस टाइप लाइट शेड ज्वेलरी अभी चल रही है। तो हमने बोली अभी एक अपकमिंग ब्राइड है उनको शेयर भी किया था, पता नहीं उन्हें मिली कि नहीं मिली, लेकिन फिर ये अपने से ही लेके आई थी, सुराव साइड से गई थी, इन्होंने लिया था तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये हमारे स्कूल की सीनियर है, मतलब पहले ऐसा सोचते हैं कि क्या ही मेकअप रहेगा, कैसे हम शूट कर पाएंगे, लेकिन ये एक बार ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए तो खुद ही हो जाता है कि अगर पूरा नहीं भी शूट कर पा रहे तो एटलीस्ट लुक्स ही दिखा दें। तो अभी हम लोग आ गए हैं शबाना फुप्पू के घर, क्योंकि आज जो ब्राइड है वो काफ़ी दूर से आ रही हैं, तो उन्हें ये लोकेशन सही पड़ा था, तो अब हमने डिसाइड किया कि यहीं पे कर लेते हैं। तो अभी हम सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। यस बेबी, ओ माय गॉड, मेरे लिए थैंक यू सो मच। हाय, आज बहुत ज़्यादा खुश है, काफ़ी देर से हमसे कह रही थी आप क्या खाएंगे आप क्या खाएंगे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा था ना कि हमें खिलाना चाहिए और मतलब हमें उसको देना चाहिए और वो हमें दे दिया। आज की इतनी मोहब्बत आ रही है, आइए क्यों मोहब्बत आ रही है पता नहीं, डर गई क्या जो कॉल पे बोले थे एक दिन मेरी हया की बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी कॉल पे, है ना, तो तुम उस वाकिया से डर गई हो क्या? नहीं। क्योंकि अब हया ट्यूशन आएंगी ना, है ना याशी? तो याशी भी हमसे ट्यूशन पढ़ी है कुछ टाइम तक, तो हया भी जाएंगी। हाँ, 8th में पढ़ी है, फिर पढ़ी नहीं है, कूट कूट के बस पढ़ाए पर पढ़ नहीं पाई हमसे, तो बस वही अब हया के साथ होगा। हया इतने खौफ में है, मतलब याशी बहुत डरती है हमसे पढ़ाई के मामले में, तो हया कहती है माँ भी अपने पास नहीं पढ़ेंगे, मैं भी अपने पास पढ़ेंगे, हम ही पढ़ाएंगे। हाँ बताए ना कैसे मारेंगे। हाँ, कैसे चुटिया आज बात अच्छी लग रही है। हया का फैशन सेंस बहुत अच्छा है गाइस, हया हर ऑकर्ड चीज भी पहनती है तो इनके ऊपर सूट कर जाता है, जैसे ये कलर हम लोग पहन ले बिल्कुल नहीं अच्छा लगे। हया नियॉन ग्रीन में भी बहुत अच्छी लगती है, am I right? Yes. और बताइए क्या हाल चाल है? आपको पता था कि हम आएंगे आज? हमने बताया था इन्होंने, इन्होंने आपसे नहीं बताया। ओके, तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? अच्छा लगा। और हम लोगों के बाद ये जो करियर है वो हया ही संभालेंगी, फुप्पू इतना रोकती है, उनके इतने महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स सब आया, एकदम एक्सपेरिमेंट करती है और काफी अच्छा मेकअप करती है हया, है ना? तो अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट है ये, और जितने टाइम हम लोग करते रहते हैं ना तो हया की कोशिश रहती है कि वो बैठे और देखती रहे, लेकिन फिर भी इन्हें डांट के भगाया जाता है क्योंकि अभी से मतलब अगर इन सब चीजों में लगेंगी फिर पढ़ नहीं पाएंगी, ऐसा हमें भी बोला जा रहा था, लेकिन हमको लगता था नहीं हम तो पढ़ने में बहुत वो है, हम कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ हमसे भी। एक ही चीज हो सकती है ना, या तो पढ़ाई या तो पैसा, है ना? और कुछ आप अपने विचार देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अरे कुछ तो, कुछ सजेस्ट। बहुत टफ रहता है घर से आना, यहाँ सब कुछ अरेंज करना, पूरा लेकर के आओ घर पे, थोड़ा हैबिट भी एक जगह पे करने की और फिर, लेकिन आना पड़ता है, ठीक है कोई बात नहीं, है ना? क्लाइंट खुश तो हम भी खुश, हया लोग भी खुश हया लोग को भी इंतजार रहता है ना, लेकिन हमें बहुत टफ लगता है इस तरह से। किस तरह?
मतलब सारा एक एक सामान याद करके रखना, और ऐसे लोकेशन पे फुफू का घर मिल तो जाता है, लेकिन ये रहता है कि अब हमको तो स्कूटी चलाना आता नहीं है या कोई भी चीज, तो अगर कोई चीज भूल जाओ तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हाँ रेहान फ्री रहते थे तब ठीक रहता था, वो कहीं से भी ले आते थे जो चीज हम भूल जाते थे, तो इधर उधर देख करके ले आते थे। दो शेड मिक्स करके लिपस्टिक बनाई है मैंने, फ्रेश फ्लावर्स। आज बहुत दिन बाद मिली आई हूँ किसी काम से, तो फ्रेंड काम ही से आती है ये, काम ही से आती रहती है, वेली में ही पर नहीं दिखती है, पीछे घूमी है। हाँ आधी हेयरस्टाइल हो गई इनकी, अभी आधी होनी है। और ये है आज की ब्राइट दीपा। ये ब्राइड आधी रेडी हो चुकी है, आधी होना बाकी है, और मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करके अब ये थक चुकी है, अब ये थोड़ा रील स्क्रॉल कर रही है, अब रील देखने के बाद फिर इनका मेकअप आधा स्टार्ट होगा। बेचारी थक गई, क्यों जब उसके आने से पहले कह रहे थे तुम क्यों नहीं कर रही, तुमको खूब लेट करेंगे, इतना भी लेट मत करना कि शादी खत्म तो हो जाए, दीपक कॉल करना बिताई हो जाएगी, मिनी तब जाएगी। देख रहे हैं ऐसी जी मेकअप आर्टिस्ट, देख लीजिए बुला बुला के सब रील्स देख रहे हैं। चलो हटाई हटाई सामने नजर नीचे, हाय जैसे जान गए कि वीडियो बना रहे हैं। माशाल्लाह ये बच्चा बहुत ही क्यूट था, और ये पूरे टाइम इनकी मम्मी अकेले ही आई हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसे लिटा दिया था, पूरे टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ अच्छे से देख रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हुई। ऐसे बच्चे भी होते हैं, मोस्टली बच्चे तो रोते ही रहते हैं। तो यहीं पे हम अपना ये ब्लॉग एंड कर रहे हैं, होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।